गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेब के बगीचे में, क्योंकि मैं आया हूँ ननिहाल। ननिहाल में हमारे जो मामा की लड़की है उनकी आज एंगेजमेंट है, आज मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आज के व्लॉग यहीं से स्टार्ट करा, घर पर स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि आज अभी मेहमान आने वाले हैं और हम मेहमानों का वेट करें। सारी तैयारी हमने कर ली, वो आप आगे इस व्लॉग में देखोगे। तो फिलहाल के तौर पे अभी मेहमान आने वाले हैं, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं गेट पे। तो मेहमानों का वेलकम करके मैं आपको दिखा दूंगा कि हम यहाँ पे कैसे मेहमानों का वेलकम करते हैं, कैसे उनको खिलाते पिलाते हैं, वो सारा कुछ आप इस व्लॉग में देखोगे और कैसा कुछ हमने काम करा। तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखिए हमने कैसा कुछ सब अरेंज करा है। वाजवान बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, जो पहला काम होता है, वो है ऐसे गोश्त को पीटना, जिस टाइम फिर गोश्त की बॉल बनाते हैं जिसे रिश्ता बोलते हैं और गुश्तावा बोलते हैं। हमारी जो बहन है मामा की लड़की, उनकी एंगेजमेंट है आज, तो इसलिए हम वाजवान तैयार कर रहे हैं। आज पहला काम वाजवान में रहता है ऐसे गोश्त को पीटना। ये देखो गाइस, ये है यहाँ से नज़ारा मेरे मामा के घर से। ये वो है मेरे मामा का घर और ये है नज़ारा यहाँ का। ये देखो गाइस, वो वहाँ पे सभी जो खेत है, धान की फसल है, पेडी फील्ड्स नज़र आते हैं और ये है कश्मीर का नज़ारा। ये देखिए गाइस, सेब अभी कितने बड़े हैं, अभी सेब तैयार होने को आ रहे हैं। ये देखो, ये अभी सेब छोटे हैं। ये है सेब का पेड़ और साथ में ये है खुबानी का पेड़। देखो गाइस, ये है सेब यहाँ के जो अभी इतने ही छोटे हैं। ये था थोड़ा सा घर के बाहर का नज़ारा जहाँ से हम आए हैं। तो शाम के टाइम भी यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, एकदम मस्त। अभी चलते हैं डायरेक्ट घर। और ये हुआ तैयार चिकन फ्राई। अभी ये बारी हमारे यहाँ रिश्ता बनाने की, जो गोश्त की बॉल बनाते हैं वो हमारे उस्ताद साहब बना रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले देखा कि पहले हम गोश्त को पीटते हैं, 1 kg गोश्त के 20 बॉल बनते हैं और फिर ऐसे बना के इसमें डाल देते हैं, फिर ठंडे पानी में डालना पड़ता है ऐसे, जैसे कि फिर सेट हो जाते हैं। जनाब तय को काल गोवाज क्यों करा अरे कहना क्या चाहते हो? गोश्त तैयार हो रहा है। ये हो रही है कबाब मेकिंग। अभी हमारे जो उस्ताद जी है ये बना रहे हैं सीख कबाब। तो ऐसे कुछ मटेरियल रहता है इसका, ऐसे रहता है और फिर ऐसे ये सीख में लगाना पड़ता है। तो हम इस कबाब को यहाँ आग में सिखाने वाले हैं जिससे ये तैयार हो जाएगा खाने के लायक। इसको बोलते हैं कश्मीरी में तबखमाज, तो इसे बोलते हैं गुश्तावा। ये कश्मीरी में जो गोश्त के बॉल जो आज सुबह हमने पीट पीट के बनाया, इसको बोलते हैं गुश्तावा। इसमें दूध डलता है साथ में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिश्ता, इसको बोलते हैं रिश्ता। ये भी गोश्त के बॉल होते हैं। ये एक थाली में चार चार पड़ते हैं। जो ये तीसरा पार्ट है इसको बोलते हैं दानोल कोरमा। इसके साथ भी बहुत सारी वैरायटीज बनाने में लग जाती है, लेकिन साथ में इसके भी गोश्त ही पड़ता है। ये है फ्राइड चिकन, जो कि एक थाली पे एक मुर्गा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ वेलकम में हम सब करेंगे और उसके बाद हम मिठाई के डब्बे सर्व करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा मामा, आपने पिछले व्लॉग पुराने व्लॉग में देखा होगा। ये मेरे मामा है, ये बोल नहीं पाते लेकिन समझते सब कुछ है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। इसको पता है कि इसके वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे,
और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ के जो मिठाई के डब्बे जो आज दिन में हमने करा पूरा अरेंजमेंट। तो गाइज ये है कुछ ऐसे सीन है, ये सैलड हम दो थालियों में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे चार चार जने साथ में खाना खाते हैं। ये सैलड मैंने बना दिया और ये मिठाई के डब्बे हमने तैयार कर दिए, इनमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ज़रा सा थोड़ा सा नज़ारा दिखा, इसमें रहता है ड्रिंक रहता है और मिठाई रहती है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं और बाकी बर्फी वर्फी रहती है। हाँ जी, तो गाइज मेहमानों ने चाय वाय पी ली है, मिठाई हमने उनको सर्व करी है। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं खुद काम कर रहा था। तो अभी हम मेहमानों को देने वाले हैं खाना, तो अभी हम मेहमानों को खाना सर्व कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी शो। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज, यहाँ पे फंक्शन निपटा के अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा जो वाजा था वस्ता था उसको घर ले जाना है और साथ में हमें घर भी जाना है। वरना हमें आज रात घर वाले सभी यही रुके हैं, रात को हमें भी यहाँ रुकना था, लेकिन कल सुबह हमें घर से गाड़ी लेके आना है क्योंकि यहाँ से फिर दीदी को लेके जाना है, क्योंकि दीदी की छोटी बच्ची है, प्लस मम्मी भी है, दादी भी है, वो लोग यहाँ से चल नहीं पाएंगे। तो आज हम जाएंगे बाइक पे, मैं और हमारे वस्ता, और इनको घर छोड़ाएंगे, साथ में हम भी घर चलेंगे। कल सुबह हम वहाँ से गाड़ी लेके आ जाएंगे। तो अभी हम घर की ओर चलते हैं।